हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को नवरात्रों की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो चलिए जी, बनाते हैं बहुत बढ़िया सी नवरात्रों के लिए एक रेसिपी। अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा मेरा चैनल। बेल आइकन को ज़रूर ही प्रेस कीजिएगा ताकि सारे वीडियो के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो यहाँ पे मैंने 5 से 6 मीडियम साइज़ के आलू उबाल के ले लिए हैं। और ये रेसिपी ऐसी है कि आप अगर अपने बच्चों को, क्योंकि आजकल बच्चे बहुत ज़्यादा व्रत वगैरह रखते हैं, तो उनको लंच बॉक्स में भी दे सकते हैं, जैसे वो ऑफिस जाते हैं, स्कूल जाते हैं। तो ये रेसिपी सुपर हिट है, नवरात्रों के लिए तो है ही, उसके साथ ही ये बहुत अच्छी, वैसे भी बहुत ही बढ़िया रेसिपी है। आप इसको कभी भी बनाकर खा सकते हैं। तो सभी आलूओं को मैंने बीच में से कट करने के बाद में इस तरीके से ना तो ज़्यादा बड़े ना ज़्यादा छोटे साइज़ के टुकड़े कर दिए हैं, और इसी तरीके से कट करके हमें लेने हैं। बहुत बढ़िया ये रेसिपी बनके तैयार होती है कि ये आप ऐसे भी खाना बहुत अच्छे से पसंद करेंगे, अदरवाइज़ भी नहीं। तो ये तो नवरात्रों में तो सुपर हिट रेसिपी है जो कि मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो ये सारे आलू कट के हो गए हैं तैयार, तो चलिए करते हैं इसके तड़के की तैयारी। तो यहाँ पे मैंने ले लिया है मूंगफली का तेल, मूंगफली का तेल लिया है, और इसमें मैंने 2 टेबल स्पून ही डाला है, ज़्यादा नहीं चाहिए हमें ऑयल। और अच्छे से इसको गरम कर लेंगे, और थोड़ा सा ये हम ग्रीस भी कर लेंगे चारों तरफ, क्योंकि ऑयल कम है और स्टील का पैन है, तो थोड़ा सा हमें इसको ग्रीस करना ज़रूरी है। 1 चम्मच मैंने यहाँ ले लिया है जीरा, और 1 हरी मिर्ची बिल्कुल बारीक कट करके लिया है। अगर आप खाते हैं तो ज़रूर इस्तेमाल कीजिएगा, अगर नहीं खाते हैं तो इसमें से कोई भी चीज़ आप स्किप कर सकते हैं। वैसे भी ये रेसिपी बहुत ही अच्छी बनके तैयार होती है। तो यहाँ पे ये अच्छी तरीके से जीरा और हरी मिर्ची हमारी लाल हो चुकी है, तो हम इसमें अब डाल देंगे 1 इंच बारीक कटा हुआ अदरक का टुकड़ा। ये ग्रेट करके मैंने लिया है, बहुत अच्छे से ग्रेट करके लिया है ताकि इसका फ्लेवर आए और मुंह में इस तरीके से टुकड़े ना आए कि बच्चे निकाल दें। तो अच्छे से ये आलू जो हमने तड़के में डाल दिए हैं, अब इसको हमें इस तरीके से शैलो फ्राई कर लेने हैं जब तक इनका कलर चेंज होगा। तो हम इन्हें अच्छी तरीके से पूरे पैन में फैला देंगे, और अब इनको हम शैलो फ्राई होने देते हैं। ये देखिए, बीच बीच में हम इसे चलाते भी जाएंगे ताकि इनको नीचे लगने का बिल्कुल भी पैन में चांस ना रहे। तो ये देखिए, बहुत अच्छा कलर आया है और बहुत अच्छे से आलू हमारे भून के तैयार भी हो गए हैं। और इतनी अच्छी तरीके से ये सब्ज़ी बनती है, सिर्फ आलू आपके पास उबला हो तो ये झटपट रेसिपी है, बहुत बढ़िया से ये बन के तैयार हो जाती है। तो यहाँ पे फिर मैंने ले लिए हैं, अच्छी तरीके से भुनने के बाद में, आधी चम्मच फ्रेश कुटी हुई काली मिर्चें। तो काली मिर्चों को व्रत में खाया जाता है तो आप यहाँ पे डाल सकते हैं, और उसके बाद में मैं डालूँगी इसके अंदर व्रत वाला नमक। तो टेस्ट के अकॉर्डिंग मैंने व्रत वाला नमक भी इसमें ऐड कर दिया है, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड कर सकते हैं। और ये देखिए, बहुत अच्छी तरीके से अब हमें ये आलूओं के साथ में कोट कर लेना है काली मिर्च और नमक को, ताकि अच्छी तरीके से ये मिल जाए, क्योंकि नमक का हम यहाँ पे अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड कर रहे हैं। और लास्ट में मैंने डाला है 1 चम्मच आमचूर पाउडर, क्योंकि ये मेरे घर का ही बना हुआ है, मैंने आप रेसिपी भी आपके साथ शेयर किया, आपने बहुत पसंद करी थी। अगर नहीं देखी है तो प्लीज़ मेरे वीडियोज़ में जाके देख सकते हैं। ऊपर से डाल दिया है मैंने खूब सारा हरा धनिया, अगर आप तेज पत्ता खाते हैं नवरात्रों के व्रत में तो आप यहाँ पे वो भी डाल सकते हैं, जीरा जब हमने डाला था उसके साथ ही। और अब इन सभी चीज़ों को हम मिक्स कर देंगे। ऊपर से मैंने ये डाल दिया है, बहुत बढ़िया सा ये हमारा देखिए आलू बन के तैयार हो चुके हैं। काली मिर्च, आमचूर और धनिया पाउडर भी मैंने इसमें ऐड कर दिया है 1 चम्मच। तो लास्ट में धनिया पाउडर डाला है ताकि उसका फ्लेवर और खुशबू दोनों ही रहे। तो ये देखिए, बहुत अच्छे से ये हमारे आलू बनके तैयार हो चुके हैं।
और देखिए कितने खिले खिले बने हैं, बिल्कुल भी ये चिपके नहीं हैं। और यकीन मानिए खाने में ये बहुत अच्छे लगते हैं। और आप इसको घर में अगर खाना चाहते हैं तो आप इसको चाय के साथ, दही के साथ में, किसी भी तरीके से छाछ के साथ में इवन ले सकते हैं। अगर लंच बॉक्स में इसमें भी दे रहे हैं तो भी ये आप दही के साथ, छाछ के साथ में, या ऑफिस वगैरह में चाय होती ही है वहाँ पे भी ये दे सकते हैं। तो चलिए कितने बढ़िया ये आलू हमारे बनके हो गए हैं तैयार। तो इसी तरीके से अपने बच्चों को या लंच बॉक्स में दीजिए या फिर ब्रेकफास्ट में उनको बनाकर आप दे सकते हैं, चाय या दही या छाछ के साथ में। ऑप्शंस कई हैं। तो मैंने इसको सर्व किया था अपने घर में चाय के साथ में। आई होप आपको ये रेसिपी बहुत पसंद आई होगी। पसंद आई तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा मेरा चैनल। बेल आइकन को ज़रूर ही प्रेस कीजिएगा ताकि सारे वीडियो के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। चलिए मिलते हैं एक अच्छी सी रेसिपी या वीडियो के साथ। आपके अच्छे स्वास्थ्य की कामना करते हुए आप सभी को हमारा बहुत बहुत नमस्कार। हैप्पी नवरात्रि।